जी मियां अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, खैरियत से हैं आप? जुबैर भाई, ये जो बेगम पैलेस है आपके पीछे दिख रहा है, इतना बड़ा व्यू जो है, ये कैसा क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। आप क्या है कि ये दानिश भाई हैं जी, ये यहाँ के मैनेजर हैं। माशाल्लाह, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की दे सकते हैं। मैंने जितनी बातें बताई उसके अलावा जी ये आपको एक एक चीज बताएंगे, यहाँ की बारीकी बता देंगे और यहाँ की खूबसूरती और क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं जी सब बताएंगे आपको। जी जी दानिश भाई बताइए। भाई बेगम पैलेस हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये हेरिटेज साइट को लेकर था जी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है जी। हमारा फोकस थोड़ा सा लग्जरी स्टे के ऊपर है, जिसमें हम 6 rooms, 3 dormitories, स्विमिंग पूल, लॉन और आगे हमारे फ्यूचर में भी प्लानिंग से तो पूरा हम यहाँ पे आपको बैंक्वेट हॉल, गार्डन सब देने वाले हैं। और भाई ये लोकेशन थोड़ा यहाँ का समझाएं आप। लोकेशन बहुत इजी है, गांधी नगर रोड पे सेकंड ब्रिज उतरते ही लेफ्ट टर्न है जी, कंक्रीट रोड है जी, रोड पे बैनर है बेगम पैलेस का जी, जो आपको साइट पे लेके आ जाता है। अच्छा, और गूगल पे भी इसकी लोकेशन मार्क है जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू भी आप इस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो थोड़ा सा बता दें, जो देख रहे हैं दर्शक उनको आसानी रहेगी आपको कॉल करने में। इसमें जो हमारा मोबाइल नंबर है वो है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी बता दिए जुबैर भाई, आपका जो पैलेस का जो बुकिंग नंबर जी 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 बता देता हूँ, दोनों तीनों जो अल्टरनेट नंबर हैं आपको बता दिए, लोगों के क्या विजिट करने में आसानी रहती है, कॉल करके आदमी आसानी से आ जाता है विजिट करके। ऑनलाइन पूरे नंबर्स अवेलेबल हैं जी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा मेन बुकिंग नंबर है जी, 8962 8962 58 58 98 98 91 91। ये नंबर है, ये 24x7 ओपन है, ये आप ही का नंबर है ये? जी जी, इस पर आप इजीली कोई भी कांटेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुकिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें फंक्शन में जो है आप कितने लोगों का इसमें फंक्शन कर सकते हैं? अभी हम जो एंटरटेन कर रहे हैं 100 से लेके 600 लोगों तक के लिए हम एंटरटेन कर रहे हैं जी, आगे अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1200 से 1500 लोग हम एंटरटेन कर लेंगे। अच्छा, तो चार्जेस से लेकर यानी कि आपसे कॉल करके बात की जा सकती है, उसके बारे में भी आप बताना चाहेंगे? नेगोशिएबल है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आजकल जो रिक्वायरमेंट जी, स्विमिंग पूल का जो चलन चल रहा है भोपाल में जी, जी। तो उसमें जो स्विमिंग पूल का रेट है वो अलग है इसमें या फिर शादी हॉल का प्लस है कुछ? इसमें हम हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं जी, जिसमें हम स्विमिंग पूल जी, लॉन, स्विमिंग पूल, हॉल जी, किचन जी, और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ के लिए एक ओपन स्पेस देते हैं। अच्छा, तो ये एक स्विमिंग पूल वाला पैकेज है हमारा जी, और इसके अलावा स्टे के हिसाब से अकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए भी पैकेज है हमारा जी, और वेडिंग के लिए भी पैकेज है। अच्छा, इसमें रूम्स, स्विमिंग पूल सब इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूड रहता है जी। तो ये 3 packages हैं हमारे जी, 3 packages हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें आप। तो रेट्स तो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो कॉल करके जो है, स्टार्टअप ऐप है ये जी, तो हमारे बहुत नेगोशिएबल रेट्स ही हैं जी, तो काफ़ी कम रेट्स हमने रखे हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा यहाँ पर अभी भोपाल से। इसकी ओपनिंग करी थी अप्रैल एंड में जी, उसके बाद हमने मई के अंदर 28 programs करें जी, वो जून में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 programs बुक हैं अभी जी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर अलग अलग बुकिंग्स हैं उसकी जी। तो जुबैर भाई थोड़ा सा आप विजिट कराएं इसको, दिखवाएं आप हमको, आपको थोड़ा सा और अंदर से रूम्स दिखा देता हूं जी, टेरेस दिखा देता हूं जी। बाहर से जैसे कुछ लोग आने वाले जैसे इंदौर से या बाहर से सागर से, तो उनके लिए भी यहां पर रुकने की काफ़ी सुविधा है, यानी रूम वगैरह कितने रूम है इसमें? 6 rooms है इसमें, 6 rooms है, हॉल वगैरह सब है जी। आइए अपन चल के देख लेते हैं, थोड़ा सा विजिट करते हैं इंशाल्लाह और फिर आपसे बात करते हैं। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जुबैर भाई लेके चलिए अंदर जी, चलिए। माशाल्लाह, दरवाजे तो काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं यहाँ पर। ये टाइटेनिक शिप भी है, ये टाइटेनिक शिप भी है, बहुत बड़ी जगह है साहब। चलिए अंदर चलिए आप लोग, बहुत प्यारी जगह, एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है यहाँ। Oh, my God.
आइए, उसको रोकना नहीं। ये हमारा पूरा हॉल है, ये इसको बना के आओ। बस ठीक है, किचन किचन एरिया किचन है। अब हम लोग जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो आप बैक की गैलरी, ये देखो पीछे से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं भी आ गया हूँ उसमें जी। भाई शुरू कीजिए। ये हमारा डॉर्मेट्री है, आइए बेडिंग कैपेसिटी 20 लोगों की, 20 लोग जो है यहाँ रुक सकते हैं आराम से जी ऊपर। ठीक है, बहुत जबरदस्त जगह है आपकी। यहाँ से थोड़ा सा अगर झांक सकते हैं अपन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आप ये की लेडीज हैं सबका, पापा ही आएंगे इधर अंदर चले जाइए, ये बात करनी है। ये डॉर्मेट्री है जी, जहाँ पे हम लंच डिनर जी स्टे सब प्रोवाइड कर रहे थे जी, एज पर द रिक्वायरमेंट। साइड व्यू इसका ओपन है, ये
ये ऊपर का टेरेस है, टेरेस देखिए कितना खूबसूरत है। आप चाहो तो छोटा मोटा फंक्शन टेरेस पे भी कर सकते हो आप आराम से। जी जी आइए। आप लोग कैमरा मैन का बहुत ख्याल लग रहा है, खाना भी खिलवाना अभी आप लोग जी मुंह से ही खाएंगे। हजरत कहाँ जा रहे हैं अपन? ऊपर आई माशाल्लाह हर वीडियो में आप सबसे आगे आ रहे हैं। जी हजरत ये कौन सी जगह बैठी है? सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट और रेस्ट एरिया, रेस्ट एरिया है ऊपर, एंजॉय दरवाजे के ऊपर जी। तो इंशाल्लाह आपका मोबाइल नंबर एक बार और ज़रूर दे दें आप यहाँ से, तो भाई लोगों को क्या है लोगों को लगाने में आसानी रहेगी। 8962589891 ये बेगम पैलेस का मोबाइल नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बुकिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी आपकी इंक्वायरी है उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा करो। हाल में जो है बहुत ज़बरदस्त जगह लोकेशन जो है यहाँ की एयरपोर्ट रोड पे है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ नवाबी ख़ानदान की तरह बनाया है इन्होंने, भोपाल नवाब साहब जैसे आए हों। ये बेगम पैलेस है मेरे पीछे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ बेगम पैलेस कैसा है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है माशाल्लाह, वो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ से जो है ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं बेगम पैलेस का, बहुत प्यारी जगह है। देखो आप एंट्रेंस कितनी खूबसूरत में है, मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा। यहाँ स्विमिंग पूल भी है और अभी दावत चल रही है यहाँ माशाल्लाह जुबैर मियाँ की, यहाँ दावत मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जुबैर भाई ये लोकेशन थोड़ा सा समझा दें आप यहाँ पर। ये लोकेशन है एयरपोर्ट से आगे आएंगे आप जी, रिलायंस पेट्रोलियम से आगे थोड़ा सा और आएंगे, ब्रिज पे लेफ्ट कट बनाया हुआ है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है बेगम पैलेस, वो वर्धमान कॉलोनी भी कहलाती है पुरानी और शिराज फार्म कहलाता है। हाँ हाँ। और जुबैर भाई यहाँ का थोड़ा सा, अरे वाशा माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, तो ठीक है। ये बेगम पैलेस में हम लोग और यहाँ जमा फैसल भाई आए माशाल्लाह, तबीयत ठीक नहीं थी जी जी जी, लेकिन जुबैर भाई की मोहब्बत में आए, मतलब खड़े भी नहीं होते, खड़े भी नहीं, गले गले मिलवाओ, गले मिलवाओ। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है। जुबैर भाई यहाँ का थोड़ा सा आप एड्रेस समझा दें लोगों को क्यों भटकने में। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले तो गांधीनगर आए ना भाई, गांधीनगर के ब्रिज के ऊपर चढ़े, अगर दो रास्ते हैं नीचे से भी जा सकते हैं, मगर आप गांधीनगर के ऊपर ब्रिज पे से आएंगे और सब ब्रिज पे सबसे कॉरिडोर की जाने के लिए सबसे पहला कट, पहला लेफ्ट हैंड पे कट है, वहाँ से आप सामने देखेंगे तो बेगम पैलेस का बोर्ड लगा हुआ है, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो सीधे आपको आना अंदर ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर जी, बहुत बढ़िया। चलो आइए स्विमिंग पूल दिखाइए। बच्चों वाला पूल चलना इधर आप
साल से लेकर 8 साल 6 साल के बच्चे को भी आप इसके अंदर है ना आराम से और बहुत कंफर्टेबल है, कोई किसी के मालूम में हानिकारक नहीं है कि डर की बात हो। बच्चों के लिए यानी स्विमिंग पूल को अलग ही रख दिया, अलग ही रख दिया अपन ने, बड़ों से पार्टी अलग कर दिया। उसके पीछे आप देखेंगे तो उसके पीछे रख दिया आप बढ़िया लग रहा है। अल्लाह का माशाल्लाह इसकी 4.5 फीट रखी गई है। पूल का साइज भी बहुत प्यारा है, पूल का साइज बता रहा हूँ बहुत प्यारा। आइए आप लोग आइए, ये चेंजिंग रूम है इधर अंदर। ये चेंजिंग रूम है, चार उसमें फिल्टर वाला सिस्टम है, 4.5 फीट दे रहे। जावेद भाई खैरियत से? अजीमी आप ठीक हैं? ठीक हैं आप? माशाल्लाह चलिए ऊपर चल रहा है, VIP गेस्ट का ऊपर है। कहाँ लेके चलना है? किचन है। किधर है किचन? वो किचन है मेरा, बाजू में किचन है और उसके सामने पार्किंग भी है। पार्किंग है वो, देखिए पार्किंग दिखाओ यहाँ से, बहुत जबरदस्त जगह। चलिए नीचे चलते हैं बाबा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आप खैरियत से हैं? आइए आइए आइए, देखिए मेहमान आ रहे हैं बराबर, माशाल्लाह अकबर भाई हमारे। वालेकुम सलाम, आइए अकबर भाई। कैसा लगा ताइब भाई आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, थोड़ा तेज बोलो, शर्मा मत। आपको कैसा लगा यहाँ? माशाल्लाह आराम, थोड़ा रिव्यू दें यहाँ के बारे में। बहुत बढ़िया जगह है, बेगम पैलेस एयरपोर्ट रोड के पास में है। माशाल्लाह फैमिली के साथ में आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा। स्विमिंग पूल भी है? पूल भी है। ढूंढने परेशानी तो नहीं है? नहीं भी बार में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका मैं एक बार। अच्छा भाई
नहीं आप खाइए। सामने पार्किंग भी है। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जुबेर भाई, भाई कैसा पार्किंग कहाँ है यहाँ पर? पार्किंग भाई ये सामने देखिए ना जी, ये पार्किंग, ये पार्किंग, ये पूरे पार्किंग एरिया है। किचन 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 को अभी सामने हम बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। कम से कम 3,000 से 4,000 लोगों का बैंक्वेट हॉल बन रहा है ये। 3,000 से 4,000 लोगों का बैंक्वेट हॉल बन रहा है? ये बैंक्वेट हॉल बना रहा है। अच्छा, तो इसमें पार्किंग हमारे पास एक ये है और पार्किंग हमारे पास एक वो है। सामने इधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग, माशाल्लाह काफी बड़ी जगह है। और ये किचन जो है आपने टेम्पररी बना के रखा है? फूड जोन पूरा यहीं पर आएगा। अच्छा, फूड जोन इधर रखेंगे आप। जगह बहुत प्यारी है आपकी, माशाल्लाह मजा आ गया है। देख कैसा लग रहा है, जैसे कि नूरुस्सबा में आ गए। आपको बताया था ये फैजान भाई हैं, ये इनका फार्म हाउस है, ये हमारे बहुत करीबी हैं जी। आपको हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज भोपाली आपको लेके आ गया हूँ दी बेगम पैलेस। दी बेगम पैलेस में हम लोग इस वक्त, देखिए आप स्विमिंग पूल में, और पीछे ही देखिए आप, यहाँ पर ये ब्रिज भी दिख रहा होगा आपको।